नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित किया गया कि चुनाव कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक की थी। अध्यादेश को वापस लिए जाने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने कानूनी स्थिति को लेकर विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक की। शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश को वापस लिए जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सोमवार को स्थगित या रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन देर शाम तक फैसला नहीं हो सका था। उधर राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी पहलुओं पर चर्चा की। आयोग के सचिव बीएस जमोत का कहना था कि चुनाव को लेकर कोई भी फैसला कानूनी राय लेने के बाद ही लिया जाएगा। सोमवार को राज्य चुनाव आयोग में दिन भर बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। चुनाव आयोग ने करीब 1.5 घंटे तक प्रधान सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग उमाकांत उमराव, निदेशक पंचायत राज आलोक कुमार सिंह और आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उसको निरस्त कर दी जाए, ऐसी स्थिति में ये निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। देखिए, पूरी प्रक्रिया ही निरस्त हो गई है। ऐसी स्थिति में सारे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता भी निरस्त हो गई है और जिन्होंने अपनी जो निक्षेप राशि जमा की है वो राशि वापस प्राप्त करने के लिए वो दावेदार है।